दोस्तों हम आज आए हैं हनुमान जी के मंदिर में संकटमोचन। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये बजरंगबली का, जो कि देहात में ये मंदिर है। अगर एक माह से आते हैं यहाँ मंदिर के पास तो 20 रुपये किराया लगेगा। देखिए सुंदर, कितना सुंदर सा ये गांव है। तो यह मंदिर है संकटमोचन हनुमान जी का, जो कि आप सब देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राम। देख सकते हैं कितना सुंदर सा यहाँ गांव है। इस गांव में बजरंगबली विराजमान है, जो कि आप सब दर्शन कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आप सभी को मंदिर का दर्शन कराते हैं। यहाँ पर बजरंगबली विराजमान है। जय श्री राम। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं संकटमोचन हनुमान जी के दरबार में। देखिए कितना सुंदर सा ये मंदिर है, ये गाँव का मंदिर है। दोस्तों चलिए अंदर का सीन दिखाते हैं, कितना अच्छा यहाँ का व्यू है, कितना अच्छा सुंदर मंदिर है। दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है, बहुत से श्रद्धालु आए हैं बजरंगबली का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे शादी भी होता है, यहाँ पे दिखौटी भी होता है, यहाँ पे उनका पूरा होता है, तो यहाँ पे हर चीज़ दान करते हैं, ईटा बालू जो भी हो, इसलिए यहाँ पे मंदिर बनता है, मंदिर का विकास होता है। देखिए कितना सुंदर सा मंदिर है ये। जय श्री राम। यहाँ बगीचा भी है, जंगल झाड़ियाँ भी है, देख सकते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं बजरंगबली का दर्शन करने के लिए। आइए बजरंगबली का दर्शन कराते हैं। जय श्री राम। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी। देखिए कितना विशाल बजरंगबली हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ आइए, बजरंगबली का दर्शन कीजिए। यहाँ पे माना जाता है कि जो सच्चे दिल से बजरंगबली से मांगते हैं उनका पूरा होता है। तो यहाँ पे आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएंगे तभी मंदिर का विकास होगा। देखिए यहाँ का बाहर का सुंदरता देखिए। ये भोलेनाथ का मंदिर है, जो यहाँ पे श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कितना सुंदर मंदिर है ये, देख सकते हैं। जय श्री राम। दोस्तों अगर यदि यहाँ इस मंदिर में आना चाहते हैं तो एक माह से 3 किलोमीटर पड़ेगा ये मंदिर। टेम्पू से अगर आते हैं, ऑटो से आते हैं तो 20 रुपये किराया है। अगर रिजर्व करके आएंगे तो 150-200 रुपये ले लेंगे। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आप लोग भी यहाँ आइए, बजरंगबली का दर्शन कीजिए। ये संकटमोचन हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि आप सभी को दिखा रहे हैं। आप सभी को जय श्री राम। ये मंदिर भोरहोत में पड़ता है। दोस्तों ये पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ साफ सफाई कितना अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे हर मंगलवार को श्रद्धालु आते हैं, इतना भीड़ होता है यहाँ पे बजरंगबली का। अगर आना चाहते हैं तो मंगलवार को आइए, मंदिर का गेट खुला रहता है, बजरंगबली दर्शन देंगे आप सभी को। आइए दोस्तों ये पीछे का सुंदर का नज़ारा देखिए, कितना अच्छा है। इस बिल्डिंग में रहते हैं पंडित जी लोग, रहते हैं यहीं पर रहते हैं लोग। यहाँ मंदिर पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। सब लोग इसमें दान उन देते हैं तो मंदिर का विकास होता है। ये हनुमान जी के पास बहुत से श्रद्धालु दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए। जय श्री राम। देखिए कितना विशाल बजरंगबली का मूर्ति है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इसी तरह वीडियो में सपोर्ट कीजिए हमको, ताकि मैं आप सभी को हर जगह के वीडियो को दर्शन करा सकें आप सभी को। देखिए कितना अंदर का ये सीन है, दिखा सकते हैं। देखिए ये चारों बगल मंदिर का सीन है, जो कि आप सभी को दिखा रहे हैं। कितना साफ सफाई, कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है। देखिए इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, भैया ये रामायण पढ़ रहे हैं। देखिए पूरा इतिहास लिखा हुआ है, श्री हनुमान चालीसा।
इस बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। टोटल रामायण इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए ये मंदिर का अंदर का सीन है। आए हैं भक्त पूजा करने के लिए, बजरंगबली का दर्शन करने के लिए। ये बाहर का नज़ारा है, देखिए ऑटो वाला आए हैं लेकर। ये ऑटो वाले लिए हैं यात्री से, मात्र 150 रुपये किराया है। यहाँ बैठे हैं महादेव। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री श्री भोलेनाथ।